मरियम, मरियम शुमाइला। क्या क्या महिला? शुमाइला किचन में गिर गई है, फिसल के गिर गई है मेरे बच्चे। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसकी हालत बहुत खराब है, सब लोग लेके उसे अस्पताल जा रहे हैं। अम्मी कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आप भी जाएं। तेल से फिसल के गिर गई है। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा आप जाएं, आप जाएं, सबके साथ जाएं, कुछ नहीं होगा। देखिए आप जाएं, आप जाएं। माय गॉड, ये क्या कर रही है? जो मेरी उम्र के बीच में आएगा मैं उससे पर बात कर दूंगी। अब सब मेरी मेरा बच्चा ठीक है ना, मसला तो नहीं है? देखिए माँ और बेबी की हालत बहुत तशवीशनाक है, आप लोग सब दुआ कीजिए। एक्सक्यूज मी, काशिफ बेटा संभालो अपने आप को, अल्लाह बेहतर करेगा, हिम्मत से काम लो बेटा। आप लोग हौसला करें और दुआ करें अल्लाह से। मेरा ख्याल है यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, सारों का इकट्ठे रहना ठीक नहीं। उसामा तुम इन लोगों को घर ले जाओ, मैं काशिफ भाई के साथ यहीं रुकता हूँ। मैं भी रुकूंगी यहीं पे। उसामा आप चले जाएं, घर जाके आराम करें, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। अम्मी, अम्मी मायला कैसी है? वो ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। अम्मी क्या कह रही हैं आप, बताएं ना सही से क्या हुआ है मायला को? मायला की हालत बहुत खराब है, ना जाने कैसे स्लिप हो गई। मैं तो कहती हूँ उसे बावर्ची खाने में जाने की जरूरत ही क्या थी। अम्मी कुछ नहीं होगा मायला को, देखिए आप फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा मायला को। तुम दुआ करो बेटा, तुम उसकी बहन हो, तुम दुआ करो वो ठीक हो जाए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा सर, या अल्लाह रहम कर ले मेरी मर्जी। दुआ करो अल्लाह करे ठीक हो जाए जो मायला, तुम दुआ करना, दुआ करो तुम ठीक हो जाए।
भाई, भाई चाय तो पी लीजिए, आपने कब से कुछ नहीं खाया। नहीं उमर, जब तक शुमाइला और बेबी कोई अपडेट नहीं मिल जाती मैं नहीं खा सकता। मेरे से तो दिखा भी नहीं जा रहे, प्लीज दूर कर दो उसे। भाई आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इससे आपकी भी तबीयत खराब होगी, आप प्लीज चाय पी लीजिए प्लीज। ये लो चाय पी। चाय पी कुछ खाना है? No, thank you. क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई काशिफ से शुमाइला के बारे में? जी शुमाइला पहले से बेहतर है, लेकिन बेबी की कंडीशन ठीक नहीं, डॉक्टर सर्जरी का कह रहा है। सर्जरी? जी, उमर नेहा को लेकर घर आ रहा है, वो दोनों रात से हॉस्पिटल में बैठे थे। मैंने कहा तुम लोग आकर जरा रेस्ट कर लो, अब मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। ये तो सही है, तुम्हारे जाने से काशिफ को एक ढारस सी हो जाएगी। बल्कि कुछ खाने को भी ले जाना, पता नहीं रात से उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया है।